अच्छे दिन आने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या, 15 लाख आ जाएगा, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है। पब्लिक है सब जानती है, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर, ये पब्लिक है। मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब, नहीं आती होगी, ये भी जुमला ही है, क्योंकि वो स्टेशन उस समय बने ही नहीं था। छोटा बच्चा ट्रेन के डिब्बों में चाय बेचता था, बड़े होके उसने ट्रेन नहीं बेच दी, सब कुछ बेच दिया, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी। पहले कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, अब क्या है, बाकी सबको लात, सिर्फ एक आदमी का विकास। भारतीय जनता पार्टी की जुमला बनाने वाली फैक्ट्री 24 घंटे काम कर रही है, क्योंकि आगे जुमले बेचने का समय आ रहा है। लूट के खा गए देश को, शहीदों के कफनों तक खा गए ये लोग, और आपके बिल्कुल इस बगल में दिल्ली है, इस तरफ पंजाब है। कोई झूठ नहीं बोल रहे, पंजाब से बहुत से लोग यहां पे आए हुए हैं। भाई साहब दिल्ली फोन कर लो अपने रिश्तेदारों को, पंजाब फोन कर लो, कोई भी ऐसी बात हम नहीं करेंगे जो हमने ना की हो और यहां वादा कर ले। हमने दिल्ली और पंजाब में बिजली के बिल 0 किए हैं, आप पूछ लेना भाई साहब, बाद में यकीन करना हमारे पे। यह आम आदमी पार्टी है। वो आता था ना, एक ऐड आती थी कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हम ये कहते हैं कि पहले हमारे में इधर उधर बातचीत करो फिर हमारे पर विश्वास करो, क्योंकि हम सब लोग विश्वास पर आए। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बिजली फ्री की, पंजाब में सरकार बनी वादा किया था 90% के आसपास घरों को बिजली का बिल 0 आता है भाई साहब, पंजाब में 0 बिजली का बिल। ना रणजीत चौटाला आता है, ना कोई एक्सियन आता है, बिजली 24 घंटे आती है, बिल नहीं आता है, ये हमारी गारंटी है। वहां पे गारंटी दी थी हमने, तो इन पर यकीन मत करें। ये खट्टर साहब कह रहे हैं ये भगवंत मान पंजाब का मुख्यमंत्री है, केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है, ये इधर उधर क्यों जा रहे हैं, इनको दिल्ली और पंजाब में रहना चाहिए। खट्टर साहब आपने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, आप किस मुंह से कहीं कहां तक जाओगे कि मैंने किया है। हमने बहुत कुछ किया है, इसलिए लोगों को बताने जा रहे हैं देश में कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लोगों के पक्ष में फैसले हो सकते हैं। नीयत साफ चाहिए, इनकी नीयत नहीं अच्छी, लूट के खा गए देश को, शहीदों के कफनों तक खा गए ये लोग, और हर रोज नए से नया झूठ, नया जुमला। आजकल भारतीय जनता पार्टी की जुमला बनाने वाली फैक्ट्री 24 घंटे काम कर रही है, क्योंकि आगे जुमले बेचने का समय आ रहा है 2024 में, वो जुमले आपको बेचेंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या, 15 लाख आ जाएगा, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, हर बात जुमला, हर बात झूठी निकली। मैंने पार्लियामेंट में बोला था, तुम्हें भी सुना देता हूं, पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है, कलम रुक जाती है। हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है। मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब, नहीं आती होगी, ये भी जुमले ही है।
क्योंकि वो स्टेशन उस समय बने ही नहीं था जब साहब कह रहे हैं कि मैं चाय बेच रहा था वहां पे। पता नहीं तो पटड़ी बनाने वालों को बेच रहा था भाई, कहां बेच रहा था, ट्रेन तो नहीं थी। मुझे किसी ने बड़ा अच्छा व्हाट्सएप पे भेजा कि एक बच्चा छोटा था, छोटा बच्चा ट्रेन के डिब्बों में चाय बेचता था, बड़े होके उसने ट्रेन नहीं बेच दी, सब कुछ बेच दिया, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी। कौन सी ऐसी सरकारी संस्था है जो नहीं बेची, और बेचते भी अपने एक ही दोस्त को हैं, एक ही दोस्त को बेचते हैं। वो बड़ा होता जा रहा है, पहले कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, अब क्या है, बाकी सबको लात, सिर्फ एक आदमी का विकास बस। तो भाई साहब, लोग कितनी देर आप इनको ऐसे झूठे जुमलों के शगुफे छोड़ करके इनका विश्वास जीतोगे? पब्लिक है, सब जानती है, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर, ये पब्लिक है, लोगों से कोई बड़ा नहीं है। ये अहंकार में जी रहे हैं, इनको अहंकार हो गया है, हम दो बार जीत गए, इनकी आप चलने की, इनका चलने का अंदाज देखना भाई साहब, भाजपा वालों का चलने का अंदाज देखना, उसमें अहंकार नजर आता है। ये अहंकार जो है ना, ये जनता तोड़ देती है भाई साहब, बड़े बड़ों का अहंकार तोड़ा है जनता ने। और साहब हैं चौथी पास, कोई भी आता है दो चार मस्के लगाओ, जो मर्जी काम करवा के ले जाओ,